Hello everyone, welcome all of you in my new session. In today's session, we learn about AI around us, what is not AI, application of AI. Why AI? Whether we agree or not, AI has become a part of our daily lives. There are many examples like YouTube, Facebook, Flipkart, and many more. AI has its footprints in all subjects like math, psychology, computer science, sociology, biology, neuroscience, many more. AI around us. हमें पता भी नहीं है, हम ऐसी कई सारी applications हैं उनका continue use कर रहे हैं जो कि AI based हैं, AI को use करती हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं. सम एग्जांपल्स आर हेयर. फर्स्ट स्विगी. जब हम स्विगी पे अपना खाना ऑर्डर करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे सर्च के अकॉर्डिंग हमने जो ऑर्डर किया है उस डाटा को स्टोर करता है और नेक्स्ट टाइम जब हम ऑर्डर करने जाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट्स और फूड आइटम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है. सपोज कीजिए अगर आप वेजिटेरियंस हैं और आपने अगर वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया है तो वो नेक्स्ट टाइम आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स और फूड आइटम ही दिखाएगा, नॉनवेज आइटम्स नहीं दिखाएगा. तो इसके लिए वो AI सिस्टम का यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करता है जो कि हमारी लाइक डिसलाइक को एनालाइज करती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी चॉइस को शो करती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब. जब हम यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो हम जैसे हमने किसी सॉन्ग को सर्च किया है या कोई मूवी को सर्च किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करती है, हमारी पसंद और नापसंद को एनालाइज करना स्टार्ट कर देती है. जब हम नेक्स्ट टाइम यूट्यूब खोलते हैं तो हमें हमारी पसंद के अकॉर्डिंग, हमारी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉन्ग्स, मूवीज या आर्टिकल दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट में जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप कोई भी आइटम उसमें अगर सर्च कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई मोबाइल फोन सर्च किया है और आपने उसमें अपनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दिए तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने जब सर्च करना स्टार्ट किया और आप जब उस सर्च करने के बाद उस आइटम को परचेस नहीं करते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे तो आपको वही मोबाइल फोन्स का डेमो या शो होना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपने लास्ट टाइम सर्च किए थे, उससे रिलेटेड ही आपको मोबाइल फोन दिखाई देते हैं जो आपने स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की थी. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है Lenskart.com. Lenskart.com में जब आप चश्मे के लिए ट्राई करते हैं तो वो 360 व्यू आपको दिखाता है और आपको जो आपके ऊपर जो चश्मा शूट करता है उसे वो दिखाता है और वो आपको आपके लिए जो बेस्ट रहता है वो आपको शो करता है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप्स में आप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एनालाइज करता है और आपको शॉर्टेस्ट रूट और ट्रैफिक फ्री रूट्स दिखाने की कोशिश करता है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है गूगल असिस्ट. गूगल असिस्ट में क्या होता है, जब आप कोई भी सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो मिलियंस ऑफ डाटा है उसमें से आपकी जो क्वेरी है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एनालिसिस होता है और आपको बेस्ट रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाता है. ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल है Amazon Alexa. Alexa भी एक आर्टिफिशियल बेस्ड डिवाइस है, वो भी आपको आपकी जो आप जो उससे डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है. इसी तरह अभी जो COVID-19 सिचुएशन है उसमें अभी हम आरोग्य सेतु ऐप यूज करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है. जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप अपनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपका जो एड्रेस है उसके आसपास जो कोविड पेशेंट है उसको सर्च करती है कि कोई पेशेंट है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो अलर्ट करती है कि इस एरिया में कितने पेशेंट्स हैं या नहीं हैं, या अभी जहां आप जा रहे हैं जिस पर्सन के आप कांटेक्ट में आए हैं वो कोविड पेशेंट है या नहीं वो आपको शो करेगी, और अगर नेक्स्ट टाइम वो कोविड पेशेंट होता है वो पर्सन तो इसके अलर्ट्स आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है. तो ये सब एग्जांपल्स हैं. इसी तरह आप एक और एग्जांपल है फेसबुक. फेसबुक में आप जब अपना पूरी डिटेल्स
डालते हैं तो आपको वहाँ पे सजेस्टेड फ्रेंड्स आते हैं, कई सारे फ्रेंड्स की सजेशंस आते हैं कि आप इनको जानते हैं या आपके फ्रेंड इसमें हो सकते हैं, वो भी एआई बेस्ड एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट सजेस्ट करती है। नो योर स्मार्टफोन, आप अपने स्मार्टफोन में देखिए ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जिन्हें आपको पता भी नहीं है कि वो एआई बेस्ड हैं, और आप एआई का यूज काफी टाइम से करते आ रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है। तो आप उसको आप देखिए और बताइए आपके पास ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल्स में है जो कि एआई बेस्ड है। व्हाट इज नॉट एआई, ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जो आपको लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेस्ड हैं पर वो होते नहीं है। उन्हीं में से फर्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क विथ मिनिमल ह्यूमन असिस्टेंस। मतलब ऑटोमेशन जो मशीन्स होती हैं वो एक बार जैसे आपने उसको परफॉर्म प्रोग्राम कर दिया या उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करती है, जिसमें कोई भी ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। इसी का एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालते हैं तो आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है और आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। ऐसे एयर कंडीशनर में भी आप एक बार टाइमर सेट कर देते हैं, टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसमें कोई भी इंटेलिजेंसी बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, बस वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है मशीन्स। तो ये होता है ऑटोमेशंस। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रोबोट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में एक ह्यूमन लाइक रोबोट्स बनाए जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। इसी का एग्जाम्पल है लाइन फॉलोइंग रोबोट्स, सेंसर नेटवर्क एक्सेट्रा। तो लाइन फॉलोइंग रोबोट्स एक पर्टिकुलर लाइन्स को ही फॉलो करेगा, वो उसी को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, उसको फॉलो करते हुए वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। सेंसरी नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग वैल्यूज एंड पैरामीटर्स थ्रू सेंसर्स। इसका एग्जाम्पल है डिजिटल थर्मोमीटर, रिमोट कंट्रोल एसेट्रा। डिजिटल थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आजकल COVID-19 सिचुएशन में हम इंफ्रारेड सेंसर्स थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर दूर से ही हमें बता देता है। ये सब नेटवर्क्स हैं जो कि हमें ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं बना सकते हैं। जब हम इसमें एआई को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यही सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बन जाते हैं। इंटीग्रेशन विथ एआई, जब ऑटोमेशन सिस्टम को एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो वो एक इंटेलिजेंट मशीन या डिवाइस बन जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है सोफिया। सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, इसका यूज कई सारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसका रिसेंटली यूज बेंगलोर के अंदर एक स्कूल के अंदर टीचर को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है और ये अपना डिसीजन मेकिंग कर सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्राइवर लेस कार। ये रिसेंटली गूगल और टेक्सला कंपनी इस पे वर्क कर रही है और कई सारी ड्राइवर लेस कार अमेरिका में यूज होना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें एक सिस्टम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड होता है, जो ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर के कार को ड्राइव करता है और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग डिसीजन करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेशियल रिकॉग्निशन ऐप। फेशियल रिकॉग्निशन ऐप या लॉक आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते आ रहे हैं जो कि आपके फेस के पैटर्न को और उसके टेक्सचर्स को आइडेंटिफाई करता है और फेस को अनलॉक अनलॉक करता है। अगर अननोन फेस होगा तो वो लॉक नहीं खुलेगा। इट मीन्स ये फेशियल रिकॉग्निशन करता है और उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई के एप्लीकेशंस बहुत से सेक्टर्स में होती है, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सिक्योरिटी, एजुकेशन, सर्विसेज, इंटरटेनमेंट, गेमिंग, एडवर्टाइजमेंट। ये डिफरेंट फील्ड्स है जहाँ पे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है और जो काम है उसको काफी आसानी से कर लिया जाता है।
तो वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है फाइनेंस। जब हम किसी बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारे सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हमारी एलिजिबिलिटी को चेक करता है कि हमें लोन मिल सकता है या कितनी इंटरेस्ट रेट में हमें लोन मिलेगा। लेकिन आजकल बैंक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज करते हैं। इस सिस्टम को यूज करते हुए जो एआई बेस्ड सिस्टम है वो हमारे सिविल स्कोर को, हमारे क्रेडिट को, हमारे पास्ट ट्रांजेक्शन को एनालाइज करता है और ये बैंक को ये बता देता है कि हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि हम उस लोन को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इस तरह से कई सारे जो डिफॉल्टर्स हैं वो नहीं होते हैं, बैंक को पता चल जाता है कि किस पर्सन को लोन देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। इसी तरह एआई का यूज्ड ट्रांजेक्शन एनालिसिस में भी बैंक करता है। जैसे हमारे अकाउंट से जब एक फिक्स पैटर्न में ट्रांजेक्शन होता है, अगर उस फिक्स पैटर्न के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक मैसेज हमारे मोबाइल फोन पर आता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इस बैंक से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो इस तरह से जो आजकल साइबर क्राइम और फ्रॉड्स होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। तो एआई का यूज इसमें भी किया जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका बीमारी को पता लगाने में, जो आजकल ऑपरेशंस होते हैं, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं उनको असिस्ट करने में भी एआई बेस्ड डिवाइसेस का यूज किया जाता है। वो जो पास्ट ऑपरेशंस हैं उनके डाटा को एनालिसिस करता है और डॉक्टर्स को बेस्ट सुटेबल सजेशंस प्रोवाइड करता है और रियल टाइम डाटा भी प्रोवाइड करता है। बॉडी का मूवमेंट्स क्या हो रहा है, क्या बॉडी की कंडीशन है, वो भी डॉक्टर्स को बताता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी एआई का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्राइवरलेस कार आनी स्टार्ट हो गई है जो कि एआई बेस्ड हैं। वो ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर के कार को ड्राइव करती है। एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। एआई को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है कि ये पता करने में कि कौन से एनवायरमेंट में कौन सी क्रॉप होगी और उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, या क्या किसी क्रॉप को क्या यहाँ पे डिसीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस सबको एनालिसिस करने में पास्ट जो डाटा है उसको एनालाइज करके हमें एआई बेस्ड सिस्टम बता देता है कि हमें कौन सी क्रॉप्स करनी चाहिए, किस एनवायरनमेंट में कौन सी क्रॉप्स होगी, किस प्लेस पे कौन सी क्रॉप्स होंगी, और ये उसको डिसीज से कैसे बचा सकते हैं वो भी हमें एआई बेस्ड सिस्टम टाइम टू टाइम बता देता है। इंडस्ट्रीज में एआई का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में होता क्या है, कई सारी मशीन से एक साथ काम कर रही होती हैं। जब मैन्युअली हम उन मशीन्स को 6 महीने में या साल भर में चेक करते हैं तो उनमें कई सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और इंडस्ट्री को बंद भी रखना पड़ता है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन जब एआई बेस्ड डिवाइसेस इंडस्ट्रीज में लगा दी जाती हैं तो वो क्या करती हैं, फ्रिक्वेंटली उन मशीन्स के पार्ट्स को चेक करती हैं कि वो खराब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट की क्या कंडीशन है, और हमें वो बता देती है कि किस पार्ट को रिप्लेस करना है। इससे मेजर जो कॉस्ट है वो नहीं आती है और हमारी मशीन खराब होने से बच जाती है। इसी तरह एआई बेस्ड सिस्टम का यूज किया था सिक्योरिटीज में। ऐसे आजकल कई सारे डिजिटल लॉक्स आ चुके हैं जो कि आपके फेशियल रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग लॉक को लॉक अनलॉक करते हैं। ऐसे कई सारे स्मार्ट कैमरे आ चुके हैं जो कि एक फिक्स पैटर्न ऑफ फेसेस को एनालाइज करते हैं और जो आपका गेट है उसको ओपन रखते हैं, जैसे ही कोई अननोन फेस आता है तो वो गेट को बंद कर देते हैं, उसको ओपन नहीं करते हैं। इसी तरह एजुकेशन में यूज किया जाता है एआई का। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था सोफिया, जो कि बैंगलोर के स्कूल में टीचर को असिस्ट करने के लिए यूज में लिया लिया जा रहा है। इसको जो इस तरह के ह्यूमैनिटीज है वो भी किसी कंट्री के नागरिक होते हैं। अगर सर्विसेज की हम बात करते हैं तो जैसे स्विजी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, फूड फूड ऑर्डर करने वाली एप्लीकेशंस हैं, ये भी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज करती हैं और एक बेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इंटरटेनमेंट में एआई का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सर्च करते हैं या कोई भी मूवी सॉन्ग सर्च वीडियो सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी से रिलेटेड सॉन्ग्स वीडियोस दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। गेमिंग गेमिंग की अगर बात करते हैं तो फीफा एक गेम है जो कि मोबाइल पे और कंप्यूटर में हम खेल सकते हैं। ये एआई बेस्ड गेम है। इसमें आप एक पर्सन जो होता है वो आप रियल होता है जो कि आप होते हैं, बाकी 21 जो पर्सन होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और वो एआई बेस्ड पूरा गेम आपको खिलाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स
एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज किया जा रहा है। जब आप किसी गूगल पे जाओ, किसी आर्टिकल को, जैसे आपको ऑनलाइन कोई कोर्स करना है, जैसे एआई का कोई कोर्स करना है, आप सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हैं गूगल को, तो आपको उससे रिलेटेड ही एड आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह फ्लिपकार्ट्स में आप जैसे कोई मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, तो आपको मोबाइल्स के एड आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब एआई बेस्ड होते हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स है जहाँ पे एआई का यूज किया जा रहा है और ह्यूमन लाइफ को काफी इजी बनाया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग के थ्रू हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी सिस्टम को एआई एनेबल बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एआई। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड फील्ड बेस्ट पॉसिबल वे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। गुड बाय।